जो है ना एक माँ के समान है। जैसे कोई लड़का लड़की को देखने के लिए जाता है, उस समय उस लड़की की माँ अपने लड़की का ऐसे श्रृंगार कर देती है कि लड़का देखते ही उससे ब्याह करने के लिए राजी हो जाता है, उसको अपने घर पर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यह भागवत भी हमारी माँ के समान है, और यह भागवत जो है जीव का ऐसा श्रृंगार करती है, जीव को इतने दिव्य आभूषणों से सजा देती है कि भगवान जब जीव को देखते हैं ना तो उसको अपने वैकुंठ में ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। यह भागवत जो है हमारे जीवन का श्रृंगार कर देती है। यह भागवत हमारे माथे पर संत चरण रज की बिंदी लगा देती है। यह भागवत हमारे कानों में कथा श्रवण के दिव्य कुंडल पहना देती है। यह भागवत हमारे नासिका में गोविंद चरणारविंद में चढ़ी हुई तुलसी सुगंध की नथनी लगा देती है। यह भागवत हमारे होठों पर कृष्ण नामोच्चारण की ललिमा लगा देती है। यह भागवत हमारे कंठ पर राग अनुराग से मिश्रित नाम संकीर्तन के सुंदर हार पहना देती है। यह भागवत हमारे हाथों में संत सेवा रूपी दिव्य कंगन पहना देती है। यह भागवत हमारे पांवों में नृत्य रूपी पायल पहना देती है। और जब यह भागवत जीव को इतने दिव्य दिव्य आभूषणों से सजा देती है और जब जीव के ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ती है तो भगवान कहते हैं कि अरे भाई, तेरे माथे पर संत चरण की बिंदी लगी है, तेरे गले में नाम संकीर्तन का सुंदर हार लगा हुआ है, तू जो है अब इस संसार में रहने के लायक नहीं, तू तो मेरे वैकुंठ में रहने के लायक। भगवान उस जीव को अपने वैकुंठ में ले जाने के लिए राजी हो जाए। ये है भागवत की महिमा।